सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सत्या ट्रेडर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं ओटीसी पे ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ इंडिकेटर्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मेन मार्केट पे ओटीसी के मार्केट को छोड़ के मेन मार्केट पे, यानी जो करेंसीज रहती है हमारी यूरो यूएसडी और फॉरेक्स की जितनी करेंसी रहती है, ठीक है, उन पे हम ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग व्यू के जरिए। उनके सारे इंडिकेटर्स यूज करके, सारा के सारे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम ट्रेड वगैरह करते हैं। वही सेम चीज अपनाते हैं अपने स्टॉक्स के मार्केट में, ओके। लेकिन अगर गाइज आपको मैं बता दूं कि मैंने जो अर्निंग करी है यहाँ पे 37,330 यूएसडी की, समथिंग 30 लाख के ऊपर का प्रॉफिट, ये मैंने किया सिर्फ सिर्फ ओटीसी के मार्केट में, जहाँ हमारे साथ सिर्फ सिर्फ ब्रोकर खेलता है। तो एक ऐसी मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, अगर आप जो है इसको यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैंने किया है, सेम टू सेम प्रॉफिट बनाया है, वैसे आप ही बना सकते हैं। बट गाइस कहना चाहूंगा, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे आप सभी को फ्री सिग्नल वगैरह प्रोवाइड कराता है। फिलहाल मैं आप सभी को जो है लेके जा रहे वालों अपने ऐप की स्क्रीन पे, और यहीं पे आपको दिखाने वालों मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे लाइव रहने वाली है, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी आपको यहाँ पे सब कुछ सब जो है लाइव दिखाई देंगे। आप यहाँ पे सारा का सारा इंटरफेस लाइव देख सकते हैं। चलिए गाइस, मैं लेकर चलता हूं आपको अपने ऐप की स्क्रीन पे, ओके। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लाइव अकाउंट में $58,361 का लाइव बैलेंस है, और यहाँ पे अगर मैं आपको 3 डॉट पे लेके जाऊँ और यहाँ पे लगभग मैं ट्रेड पे लेके जाऊँ, तो आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले हिस्ट्री शो करा दूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लगभग मैंने सारी की सारी ट्रेड जो है $1,000 के ऊपर ही मैंने प्रेसअप करी है, और सारा का सारा आप जो है प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं। सबकी सब जो है ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, सारी की सारी जो है $1,000 की डॉलर सारी की सारी ट्रेड जो है यहाँ पे प्रॉफिट है आज के दिन की, ठीक है। ये टोटल आज की ट्रेड है, यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी आज जो है प्रॉफिटेड है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को अब दिखा दूँगा अपना लीडर बोर्ड यहाँ पे, ठीक है, लीडर बोर्ड पे यहाँ पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे समथिंग जब मैंने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करी थी तो मेरे पास लगभग जो $20,000 का बैलेंस था, और यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने अर्निंग करी है $37,330 की मैंने यहाँ पे लगभग जो है अर्न किया है यहाँ पे। और यहाँ पे सारा का सारा मैंने प्रॉफिट जो जनरेट किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो ओटीसी के मार्केट पे ही किया है, और आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर वन मेरी फिलहाल अभी रैंक है, कोई भी यहाँ पे नहीं है, सबके सब जो है टॉप 20 छोड़ो, यहाँ पे नंबर वन की रैंक है। यहाँ पे आज का टोटल प्रॉफिट है वो है $37,330 का प्रॉफिट, ठीक है, लीडर बोर्ड में क्यूटेक्स, मतलब दुनिया में क्यूटेक्स में नंबर वन रैंक आज की। So, यहाँ पे जो ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, किस चीज को मैंने यहाँ पे यूज करके ये प्रॉफिट जनरेट किया है, सारा कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ओटीसी के मार्केट में गाइस क्या यहाँ पे फर्क है, सबसे पहले तो आप वो जान लीजिए। अगर हम यहाँ पे टाइमिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक स्विच टाइम का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप स्विच करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपके सामने 5 सेकंड का एक टाइमिंग दिखता है, ठीक है, यानी आपको ट्रेड करनी है तो आप जो है 5 सेकंड की ट्रेड कर सकते हैं। और 5 सेकंड ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड करना थोड़ा सा आसान होता है। जैसे मान लो ये कैंडल जा रही है, अब देख लीजिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं डालूंगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ $100 यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लो एक कैंडल जो है वो पूरी फुल बॉडी की बन चुकी है, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ से अब मार्केट जो है डाउन नहीं जा सकता, यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड पे ये कैंडल क्लोज होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अपवर्ड की डेट डालूंगा या फिर डाउन की डेट डालूंगा, जैसे मुझे लगता है, जैसे कि मुझे पता है चलो यहाँ पे मार्केट अपवर्ड जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 सेकंड की ट्रेड डाल दी है अपवर्ड डायरेक्शन में। देख लीजिए कितने 5 सेकंड में आपको उतना तेजी से प्रॉफिट भी हो सकता है और उतनी ही तेजी से आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा संभल के आपको ट्रेड यहाँ पे करनी पड़ेगी। कैंडल को ध्यान में देना पड़ेगा कि कैंडल कहाँ पे फॉर्म हो रही है, जितना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा 5 सेकंड, जहां पे ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करेगा वहीं पे आपको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी इमारतें यानी कैंडल बन रही है वहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, एक स्टेबल मार्केट में आपको प्रॉफिट उतना देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे मैं GBP AUD पे आ गया हूँ, ओके, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा एक्स्ट्रा वोलेटाइल है। रियल मार्केट में हम कहते हैं कि भैया वोलेटाइल मार्केट पे ट्रेड मत करो, और यहाँ पे हम कह रहे हैं वोलेटाइल मार्केट पे ट्रेड करो, तो कुछ तो यहाँ पे रीजन होगा, बिकॉज गाइज वोलेटाइल मार्केट पे अगर हम रियल करेंसी पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे स्विच टाइम का ऑप्शन आता है ना, ये वाला स्विच, मतलब यहाँ पे आप जो है स्विच करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी 5 सेकंड का टाइम की आप जो है ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते रियल और जेन्युइन मार्केट पे, यानी फॉरेक्स के मार्केट पे आप जो है 5 सेकंड की ट्रेड नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको 1 मिनट की ही ट्रेड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 2 टाइमिंग है, यहाँ पे स्विच करके आप जो है डायरेक्टली टाइम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड ही सिलेक्ट करूंगा। मैंने भी फिलहाल ट्रेड करी थी, मेरे को थोड़े मार्जिन से अभी आप देख सकते हैं लॉस हुई है, कोई नहीं, हम यहाँ पे अपना लॉस को रिकवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिटेड है, हमारा यहाँ पे $5,000 लॉस भी हो जाएगा तभी हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड वगैरह डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा अमाउंट को डिलीट करूँगा और $250 यहाँ पे इन्वेस्टेड करूँगा गाइस, ठीक है, और यहाँ पे डाउन के आसान है कि डाउन जाएगा मार्केट, बिकॉज 5 सेकंड का टाइम है, और 5 सेकंड टाइम में चलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए, ठीक है, और ये ट्रेड हमारी तीनों की तीनों ट्रेड आप देख सकते हैं बैक टू बैक लॉसेस हो चुकी है। कोई नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे $1,000 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और कैंडल को प्रॉपरली जो है रीड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कैंडल अच्छे से फॉर्म हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर आप देख पा रहे हैं कि कैंडल की इमारत जो बन रही है, शैडो जो है उसकी ज्यादा वीक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक ट्रेड मैंने डाली है अपॉर्ट,
5 सेकंड थोड़ा से डिफरेंस से ट्रेड हमारी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे। ओके चलिए ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। ओके दो ट्रेड हमारी प्रॉफिट हुई है, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं। मार्केट की विथ को आपको समझना है यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए जो हैमर हमें देखने को मिल रहा है, ये जो शैडो आपको देखने को मिल रही है, लेग इसकी कितनी लंबी है। यहाँ से फुल चांसेस हैं कि मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो आपको थोड़े से कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है और थोड़े से आपको जो है अपने फंडामेंटल को यहाँ पे देखना है कि आपका मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले चाहे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, चाहे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कर लें, या फिर कैंडलस्टिक को देख लें, मेन आपका वही रहता है मैनेजमेंट। ठीक है, मेन आप जो है मनी को किस तरह मैनेज करते हैं, आपके पास मनी कितनी है और उस मनी को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, वही चीज़ आपको आपके काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। जैसे कि यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा डाउन के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 मिनट की ट्रेड डालने वाला हूँ। ओके यहाँ पे थोड़ा सा एक कैंडल एंड हो जाए, फिर मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्रेस करूंगा। ठीक है, 2 मिनट की ट्रेड में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, बिकॉज मेरी इससे पहले की ट्रेड में समथिंग 2,500 का लॉसेस है। ओके 37,000 डॉलर के साथ हम थे, अभी हम 36,000 डॉलर के बैलेंस के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करते हैं। 20 सेकंड बचे हैं यहाँ पे, 11 सेकंड। ओके मार्केट यहाँ से डाउन गिरेगा और गिरना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1,000 डॉलर की ट्रेड मैंने, अब 2 मिनट की ट्रेड मैंने यहाँ पे डाल दी है, 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे इन्वेस्टेड है, लगभग 3,000 डॉलर यहाँ पे इन्वेस्टेड है, जिनमें से एक ट्रेड तो अभी 50 सेकंड में एंड होने वाली है, क्योंकि वो ट्रेड मेरे से बाई मिस्टेक 1 मिनट की ही प्रेस हुई है। वोलेटाइल मार्केट में एक दिक्कत और होती है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कितने आसानी से मार्केट अपवर्ड चला है विदाउट पैटर्न के, मार्केट कितने जो है तेजी से ऊपर की तरफ गया है, और उसी तेजी की तरफ से ये डाउन भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 27 सेकंड 26 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, लगभग हमें यहाँ पे इंतजार करना है थोड़ा बहुत, और लास्ट टाइम जो हमारी लास्ट कैंडल होगी वो डिसाइड करेगी कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। हमने समथिंग 30 से 40 ट्रेड कंटिन्यू बैक टू बैक प्रॉफिट करी थी, उसका भी असर पड़ता है डायरेक्टली वीडियो बनाने के बाद में। ठीक है, आप सभी ये जानते हैं कि अगर कंटिन्यू हमने ट्रेड प्रॉफिट कर लिए हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट करने के चक्कर में और ट्रेड करें, तो वहाँ पे हमें लॉस ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। यहाँ पे 1 मिनट बाई ट्रेड तो हमारी चली गई, लॉस गई है, लेकिन देखते हैं इसके पहले जो 2 मिनट की हमने ट्रेड डाली है उसका रिजल्ट हमारा क्या देखने को मिलता है। अभी पॉजिटिव में चल रही है हमारी ट्रेड, इसे हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे खैर, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें हमारे साथ हो सकती है। ओके टाइमिंग को स्विच करेंगे, हमारे पास लगभग कितना बैलेंस बचा है, 35,000 का बैलेंस बचा है, 37,000 डॉलर के बैलेंस का हम थे। हम इसको यहाँ पे रिकवरी करेंगे, तो इस टाइम किया 5 सेकंड्स, पहले हम इसको एंड होने देते हैं, एंड होने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं उसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके गाइस 22 सेकंड बचे हैं, फिलहाल क्लोजिंग पॉइंट पे हमारी ट्रेड है, बार बार प्रॉफिट बार बार लॉसेस में आ रही है, 11 सेकंड बचे हुए हैं। चलिए अब हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को सो गाइज यहाँ पे हमने अपना फुल अमाउंट यूज़ किया लगभग, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लिया आपके सामने। और यहाँ पे मैं लीडर बोर्ड में आपको दिखाऊँ, कुछ ही सेकंड्स में 5 सेकंड के मैंने यहाँ पे ट्रेड जो डाली थी 41,200 डॉलर लगभग यहाँ पे मैंने अभी अर्न कर लिया, लगभग कह सकते हैं 4,000 से 5,000 डॉलर यहाँ पे लगभग ओनली 5 सेकंड के अंदर हमने अर्न किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊँ अगेन आपको यहाँ पे शो कराऊँ, ठीक है यहाँ पे जाएंगे वापस से, ओके इसको करेंगे हाइट, और यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी अपॉर्ट एक्समेंट ट्रेड थी, उससे पहले आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रेड मेरी लॉसेस भी गई थी, समथिंग 5,000 डॉलर के साथ हम जो लॉसेस भी थे, और उसके बाद जो हमने लीडर बोर्ड में जो एंट्री लगाई है, ठीक है लगभग 20,000 डॉलर के साथ 20,000 डॉलर हमारे पास थे, और उसका जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव लीडर बोर्ड में। लीडर बोर्ड में आपको ट्रेड पे जाके दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए टॉप पे जाके 41,200 डॉलर का हमारे पास बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पे अगर आपको काफी सारे इशू हो रहे थे डिपॉजिट में, तो डिपॉजिट का भी ऑप्शन मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ, बिकॉज काफी सारे लोग कह रहे थे कि डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे फोन पे UPI पेटीएम जो है किसी भी मेथड से डिपॉजिट इजिली कर सकते हैं। लास्ट में आपको बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग इजिली विड्रॉल इजी, आप जो है डिपॉजिट विड्रॉल के मेथड में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और ST50 को अगर आप जो है यूज करेंगे तो आपको 50% का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा आपके डिपॉजिट पे। ओके डिपॉजिट आप जो करना चाहें मिनिमम जो है 150 अगर आप जो है डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 50% और आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, तो ST50 को यूज जरूर कीजिएगा। इस यहाँ पे मैं फोन पे आपको करके दिखाता हूँ, शायद मेरे में अभी बोनस कोड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है लगभग बैलेंस पड़ा हुआ है, इस कारण से हमें ये लोग क्या कर रहे हैं बोनस का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है मेरे पास, लेकिन आप जो है इजिली डिपॉजिट कर सकते हैं, फोन पे से आपकी मिनिमम लिमिट $50 है और मैक्सिमम लिमिट आपकी जो है $1,207 है। ठीक है, तो इजीली आप जो है डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे और शो करा दूँ UPI की लिमिट कितनी है, वो भी मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। UPI मिनिमम जो है $50 की लिमिट है। ठीक है, यानी $50 आपको मिनिमम डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। पेटीएम से शायद आपकी कम लिमिट होगी, मेरे ख्याल से पेटीएम से आपका इजिली डिपॉजिट हो जाना चाहिए $10-12, लेकिन हाँ यहाँ पे सारा का सारा मिनिमम डिपॉजिट आपके साथ $50 का ही है। ठीक है, तो मिनिमम जो है $50 ही आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल ऑप्शन आप जो है टैथर या फिर जो है परफेक्ट मनी किसी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जो डिपॉजिट करता हूँ वो USD एंड टैथर से ही करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ट्रांजेक्शन में, जब मैंने $8,000 जो डिपॉजिट किया था वो किया था USD टैथर से। ठीक है, तो मुझे विड्रॉ भी उसी में मिलेगा।
आप जिस मेथड से डिपॉजिट करेंगे आपको विड्रॉ उसी मेथड में मिलेगा। बाकी का अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे जाके आप जो इजीली पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको जो है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री सिग्नल आपको मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। बाकी का मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।